इसके बाद मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ इस अदारे के लिए और इस अदारे के डायरेक्टर और जो प्रिंसिपल साहब हैं और पास्टर साहब जो हैं पास्टर चपराज साहब और दीगर खादमीन भी जो यहाँ खिदमत करते हैं और टीचर भी आपकी इस वेलकम के लिए और हमें जो आपने इन्वाइट किया और खुदा की खिदमत कई ऑनर हमें मिला इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं और आप सब जितने भी यहाँ पर मेहमान हैं आपके लिए भी खुदा का शुक्र अदा करते हैं खुसूसन जो खुदा के खादमीन भी हम लोग आए हैं ये हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात है आपका आना कि खुदा के कलाम के मुताबिक इस बात की बड़ी अहमियत है खुदा का जो खादम होता है वो बहुत ज़्यादा अहम है सो आपका यहाँ आना हमारे लिए बहुत ही एक बरकत की और एक बहुत ही इंकरेजमेंट की बात है इसी तरह बच्चों आपका भी थैंक यू हालांकि यहाँ पर ऐसे ही लग रहा है कि बच्चों ने तो आना ही था लेकिन ऐसी बात नहीं है आप यहाँ पर बड़े शौक से आए हैं आप खुदावंद यीशु मसीह के लिए यहाँ पर आए सो आपका भी हमें थैंक यू बोलना चाहिए लेकिन सबसे बढ़कर आए एक बार फिर हम अपने जिंदा खुदा का शुक्र अदा करें और एक ताली बजा दें खुदावंद के लिए
तो खुदा के लोगों को जंग में फतह मिला। सुख को हाथ उठाकर खुदावन की शुक्र गुजारी का जिक्र दाऊद भी करता है। आइए अपने हाथ उठाए, सब अपने हाथ ऊंचे करें और जाने कि खुदावन यहां पर मौजूद है। और एक दफा फिर से कहें कि यीशु जी मुझको I'm not afraid to die।
नफरत करता है और बहुत ज्यादा झुंझलाता है, वो खुद हमारे खुदावंद का नाम है और उसका दुनिया में चैलेंज भी यही है कि यीशु को ना माना जाए और यीशु की प्रस्तुति ना हो सके। इसीलिए उसने बहुत कुछ दुनिया में दे दिया कि यीशु के अलावा ये सब कुछ कर लो। लेकिन कलीसिया इस दुनिया में एक ऐसा इदारा है, कलीसिया दुल्हन है, कलीसिया वो अलग किए हुए लोग हैं जो मसीह को जान गए हैं। हकीकत को जिसने मसीह को जान लिया उसने असल बात को जान लिया। सारी दुनिया उसे जो मर्जी कहती रहे लेकिन हम तो सब मिलकर एक आवाज होकर कहेंगे हम उसे पहला यही है
खुदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, यही इतना में खुदा के साथ था, सब चीजें उसके वसीले से पैदा हुई। और फिर चंद आयतें छोड़ के आगे पढ़े तो लिखा है कलाम मुजस्सम हुआ, उसी बात पर के कलाम मुजस्सम हुआ, अब वसा और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा।
वो जो इंडिया का रेसलर था, आप पता रिटायर हो गया, उसका साथ ही उससे भी ज्यादा, और वो तरबूज को ऐसे अपने हाथ से यूं करता था, तो आप जैसे कोई नरम चीज को कर लेते, वो ऐसे उसको दौड़ लेता था। आपने एक साल का बच्चा किसी के घर में है, एक साल का बच्चा कहीं क्यों होगा, आप मुझे बताएं वो एक साल का बच्चा ग्रेट काली का मुकाबला कर सकता है? नहीं कर सकता। लेकिन अभी जो आप जबूर की ये वर्ष गा रहे हैं, इसमें रेगुलेशन है। ये कोट भी की थी खुदा यीशु मसीह ने कि तूने बच्चों और शीरखारों के लबों से अपनी हम को कामिल किया। वो जो बच्चे की माने खुदा के कलाम को कबूल करते हैं, खुदावन उनको अपनी कुव्वत से भरता है, और अबलीस जो मुखालिफ है उसको शर्मिंदा करता है।
देखो एक तुम्हारी हम लहू की और बेटा गहरी की और उसका नाम Thank you.
फिर भी वो कहेगा कि बस खुदा का फजल है या मैं बस ही खुदा के फजल की लोड़ है। इसका मतलब है कि अंदर खाते हर इंसान को ये एहसास है कि उसका फजल चाहिए मुझे, लेकिन हर कोई जानता नहीं है उस फजल को। आप पर ये खुदावंद की बरकत है कि आप उस खुदा के फजल को जान भी रहे हैं जो यहाँ मौजूद है, जिसका नाम यीशु मसीह है।
लाइट की एग्जाम्पल आपके सामने आई है, जहां लाइट नहीं है वहां अंधेरा है, सिंपल बात है, जहां लाइट नहीं होती वहां अंधेरा होता है। यानी अंधेरा क्या है? रोशनी की गैर मौजूदगी अंधेरा है। यीशु मसीह ने कहा था दुनिया का नूर मैं हूं, और ये बात उसने बहुत जोर देकर कही थी ताकि हर कोई जान ले कि और दूजा कोई नहीं, मैं हूं। दुनिया का नूर एक ही है, जब वो किसी जिंदगी में आता है वहां लाइट ऑन हो जाती है और अंधेरे भाग जाते हैं, और उसका नाम यीशु मसीह है। Oh,
क्योंकि इस औरत के गुनाह माफ हुए, इसको निजात देने का मिल गया। पर वो सोचती होगी कि बाकी लोगों को माफी मिल सकती है मगर मुझे नहीं मिल सकती, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा माशरे में समझी जाने वाली हूं कि मैं सबसे बुरी हूं। मगर यीशु के आगे कोई भी आ जाए वो रिहाई पा जाता है। तो वो जब निजात पा गई तो वो कैसी प्रस्कृति लेकर यीशु की गुजारी कर रही है और गीत गाना तो दूर की बात है, उसको कोई लफ्ज भी नहीं है उसके पास, उसको कोई लफ्ज भी नहीं मिल रहा कि मैं कैसे शुक्र गा करूं। आंसू बहाना शुरू कर दिए, जो कीमती चीज उसके पास थी उसका इधर वो कदमों में देना शुरू कर दिया और अपने बालों से पोंछना शुरू कर दिया। कई लोग जो वहां पर मौजूद थे वो इतराज करने लगे, मगर वो ये नहीं जानते थे कि उसके गुनाह माफ हो गए हैं। वो तो शुक्रगुजारी से भर गई है और देखिए वो किसी की परवाह भी नहीं कर रही, उसको नहीं परवाह के लोग क्या कहेंगे। आइए अब हाथ उठाए अपने हाथ की मांग करके, दोनों हाथ ऊपर करके हाथ उठाए ऐसे, बच्चे भी आंखें बंद करके देखी है न जाना, देखी मर्जी बोले बोले
पर ये गीत है, मैंने अक्सर देखा है खास इस गीत के नीचे जने कटे कॉमेंट करवा रहे होते हैं कई लोगों के, जिनको पसंद नहीं आ रही होती ये बात कि ये गाया जा रहा है कि यीशु नाम ही जिंदगी का आराम देता है। तो वो शेर इस तरह है कि वो किसी ने पूछा किसी से कि किस मौसम में और कब मिर्चें लगती हैं, तो जवाब ये हुआ कि मौसम का तो नहीं पता लेकिन जब भी सच बोले मिर्चें लगती हैं। ये गीत भी है और बनाती भी है, जब आप इसके अफवाह पर गौर करते तो आप सच्चाई का ऐलान कर रहे हैं। और ये बात भी मैं हर दफा इस गीत के दौरान कहता हूं कि आपको तो पता ही है कि हमारे मुल्क में झूठ बहुत बोला जाता है, लेकिन हैरानगी की बात है कि बड़ा सॉलिड मुंह बनाकर झूठ बोला जाता है, खासतौर पर चैनल्स पे बड़ा पक्का मुंह बना के झूठ बोल रहे होते हैं और बिल्कुल शर्मा भी नहीं होते और ना ही घबरा रहे होते हैं। मैं हर दफा ये कहता हूं अगर लोग झूठ दिलेरी से बोल सकते हैं तो हम सच को क्यों ना दिलेरी से बोल सकते हैं। सुनो परिश्रम की
रहन सहन के तरीके दुनिया जान रही है, काफी एडवांस हो गई है, वो ज्यादा इस्तेमाल हो गए थे। तो अच्छी से अच्छी बात आपको मिल जाएगी, मगर हमेशा की जिंदगी की बातें सिर्फ यीशु के पास है। यीशु मसीह यहां मौजूद है, वो इंतजार कर रहा है कि कोई एक शख्स उसे ये कहे कि खुदावंद आज से अपना आप तुझे देता हूं, तेरे रूप से तेरा पिया पाने Yeah.
सोने जाने से भी ना Thank you.
टीचर्स मौजूद हैं, हम आपके लिए ये गा रहे हैं, हम आपको दुआ दे रहे हैं। क्या आप रिसीव करना चाहते हैं इस बरकत? हाथ उठाए सकते आइए हम सब गाए के लिए।